मैंने काफी दिन ऐसे इंतजार का मन ये सब ऐसे इंतजार करा सा कब कलाम के खानदान से मिले इतफाक से अभी तक मुलाकात नहीं हो ही पाया। ये आपकी से क्या यहाँ पर? अच्छा चलिए बताइए, एक आप कहाँ से शुरू हो रहे हैं? कलाम के मन अच्छे कलाम के भाभी हैं। अच्छा जब प्रेसिडेंट बने थे लेक्चर दे रहे हैं। अच्छा यहाँ कौन कौन है कलाम के सब? कलाम के गाइड हैं। कलाम के गाइड हैं तो मतलब कि कलाम को कुछ भी नहीं आता? हाँ तो फिर कलाम के गाइड की क्या जरूरत है? साइंस मैन सब मिला तो कलाम से इसका क्या संबंध? नहीं नहीं अभी आप कलाम बोले ये जो है ना मिसाइल मैन बोले तो कलाम और मिसाइल मैन कौन है? ये कौन है? कलाम का लास्ट मोमेंट ऑफ लास्ट मोमेंट। अच्छा 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 कहाँ से पकड़े भाई आप? बहुत अच्छा मोमेंट है नेट से। अच्छी बात। आपकी तारीफ? सनामी। क्लास? नाइन क्लास। स्कूल नेम? लिखा हुआ है सर न्यू का। अच्छा 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 तो बहुत अच्छा लगा कि आप कलाम के इतने चाहने वाले हैं। वैसे आपकी ख्वाहिश क्या है, आगे बढ़ के क्या करना चाहते हैं? कलाम के जैसा बनना चाहते हैं तो मतलब कैसा? सकल सूरत में, उसकी आवाज़ में या उसके एक्टिविटी से, उसकी आदतों से? कलाम सच बोलते थे तो आप सच बोलेंगे, हाँ कलाम साइंटिस्ट बने तो आप भी बनेंगे। तो ये बताए सच सच ये बताए कलाम का पहला पॉइंट है ये सारे चीज़ इसके पीछे किसका आइडिया? सच सच बोले कलाम के आइडिया। नहीं नहीं आपको ये आइडिया कौन दिया टीचर? तो अभी आप बोले कि सच बोलेंगे तो टीचर दिया आइडिया तो टीचर आपको कलाम बनने के लिए बोले। सो यू वॉन्ट टू टेक फाइन फ्रॉम मी और यू वॉन्ट टू गिव समाइन? हाँ या टेल मी। My name is Clap Switch. Your name is? Clap Switch. Clap Switch, yes. How does it work? When I'm doing claps, the vibration is playing with Acha. Acha. And it converts the sound to electricity. Okay. Claps se energy ban jata. Vibration se electricity ko convert. Acha. Vibration, jo hai na, mechanic, wo kya bolte aapko battery ke electric se, matlab, kya bolte aap log apni language mein? साउंड को इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं या साउंड को जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बंद करने में इस्तेमाल करते हैं? साउंड पे इलेक्ट्रिसिटी बनता है तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये सेफ्टी के लिए खाली है। अच्छा 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 इसको निकाल दीजिए फिर पूरे निकाल के बताइए। इधर भी निकाल दीजिए ये सर्किट के लिए। इसके अंदर क्या है? एनर्जी। तो मतलब बिना एनर्जी के भी इलेक्ट्रिसिटी बनते नहीं बताना। आपकी जो है एक्सप्लेनेशन और थोड़ा होना चाहिए। कौन से स्कूल से? सेंट जूट हॉस्टल। कहाँ पर है? आप कौन से स्कूल में, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? क्या नाम है? आपके नाम साइकिल जाए तो आपके स्कूल के नाम कहाँ है? कृष्णा नगर। कृष्णा नगर तो पूरे में क्या प्रोजेक्ट है? जनरेटिंग एनर्जी सौ पड़ा। बोलिए किस तरीके से कितना बनने, कितना सॉल्व करना पड़ना? 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर। 2 स्पून सॉल्ट। 2 स्पून सॉल्ट। ओनली 2 स्पून। ओनली 2 स्पून। अच्छा चलिए कैसे बनेंगे? जस्ट वी मिक्स द डैट। ओके मिक्स इट देन पानी गिरते नहीं जल्दी से कन्वर्ट करके वाटर नेगेटिव पॉजिटिव। ओके वी कैन अंदर से टेक दिस वाटर एंड देन पॉजिटिव में मैं डालूंगा जी। वाटर लेवल इंडिकेटर कैसे क्या 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 मतलब इसका? अच्छा वाटर लेवल इंडिकेटर मतलब ये 3 वायर लगाने से आपको बताए जाएंगे कि मतलब एक डैम टॉप है यानी कि कितना पानी है, आधा है। अच्छा अच्छा मान लीजिए मतलब वेस्टेज नहीं होगा।
जिसका खर्चा कितना है, लेकिन हर के घर के ऊपर जो है एक संजय को तू ले क्या करना कुछ ना बेटा प्लस नाइन प्लस स्कूल में रहमतिया हाई स्कूल कहाँ है? चंचलपुरा। अच्छा चलिए बोलिए क्या बताना चाह रहे हैं ये क्या है आपका पूरा साइंटिफिक प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ पकवान वगैरह है क्या 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 तैयारी कर रहे हैं क्या क्या शक्कर बना रहे शक्कर मैंने से शक्कर बना रहे चलिए कैसे बनाते बताइए मॉडल है चलिए कैसे बनते आप कहाँ से शक्कर कहाँ पर डालना पड़ता है कहाँ से डालना गन्ना गन्ना कहाँ पर डालना गन्ना को कट को डालना है या ऐसे ही डायरेक्ट डाल दे सकते कटिंग करके डालना तो ये पहले कहाँ पर डालेंगे गन्ना कहाँ डालेंगे अच्छा यहाँ से कहाँ जाएंगे यहाँ से पाइप में जाएंगे कैसे जाएंगे ये आपको ध्यान नहीं बता रहे आप हाँ कैसे फिल्टर कहाँ से एक्सप्लेनेशन कीजिए आप कैसे होता है एक्सप्लेन कीजिए मॉडल ऑफ शुगर फैक्ट्री तो बड़ी इधर एक्सप्लेन कीजिए किस तरीके से गन्ना कहाँ डालना है गन्ना से जूस कैसे निकलता फिर जूस जाके क्या होता फिल्टर कैसे होता फिर हाइड्रोलिक आर्म्स ओके कैन यू शो मी हाउ डज इट वर्क दैट्स एक्सप्लेन कर ओके हाँ हाँ तक बलम तो ఓకే దీనికి ముఖ్యమైన నాలుగు జాయింట్స్ ఉంటాయి ఓకే ఓకే तो ये तो ऑलरेडी मार्केट में है इस टाइप के मशीन तो मार्केट इसको पैसा यूज़ करें पैसा यूज़ नहीं करें यूज़ करना आता नहीं है तो आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो जितना इसका इस्तेमाल होना चाहिए उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो आप इसका कितना डिफरेंट इस्तेमाल बताना चाहते हैं व्हाट आर द डिफरेंट यूसेज इट कैन मेक एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मशीन हाइड्रोलिक आर्म हाइड्रोलिक आर्म सिंपल नेम हाइड्रोलिक आर्म अच्छा ठीक है तो ये बताइए इसमें व्हाट आर द डिफरेंट यूसेज ऑफ दिस मशीन एंड व्हाई दिस पीपल आर अनेबल टू आई मीन दिस पीपल अनेबल टू यूज देम क्यों मालूम नहीं ये यूज कर रहे अब जी 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 ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए वो पूरा नीचे उसका रहता ना जी जी आइडिया अच्छा आपका अच्छा आइडिया है इसके अवेयरनेस में आप जॉइन होना चाहते थे काम की जेकार रखिए सो व्हाट इज योर प्रोजेक्ट मैम ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोल इट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट व्हिच यूजेस सिंपल कॉन्सेप्ट व्हिच यूजेस ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ओके By using this system, manual works are 100% removed. Okay. This project automatically switches on when the sunlight goes below the visible region of our eyes. Okay, okay. And the automatically switches on when the sunlight comes. This is done by a sensor. This is a sensor. Okay. When the sunlight falls on it, switches are off. Okay. Switches off the lights. Okay. When the darkness is came in the night. Highways. Okay. So how do you want to, what is your plan to utilize this?
लेकिन आप इस आइडिया को किस तरह ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, रियलाइज करना चाहते हैं, आप इसके लिए मैन किस तरीके से, अगर मैन पावर की आपको जरूरत है, किस तरीके से इसको काम पे करने लगाना चाहते हैं? आपको थोड़ा सा और आगे एक्सपीरियंस चाहिए, आप आपका मैन स्टूडेंट रहेंगे। ये प्रोजेक्ट किसका है? आपका है। क्या नाम आपका? कौन से स्कूल से आप? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सेवेंथ में। तो ये प्रोजेक्ट आपका है, क्या नाम है प्रोजेक्ट का? इलेक्ट्रो प्लांटिंग। अच्छा, किस तरीके से काम करता है? हाँ, लोहे का किला है। अच्छी बात है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसा हो गया। अच्छा, तो आप बताना क्या चाहते हैं? इसकी परत इस पर चढ़ा सकते हैं। इसके परत चढ़ा सकते हैं, लोहे में भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा, ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। अब उसको करने से क्या होगा? अच्छा, लोहा महसूस महफूज रहता ऐसा करने से। तो आप चाहते हैं कि पूरे लोहे के टुकड़ों का ऐसा महफूज किया जाए, हर चीज को। ठीक, उसके बाद फायदा बताइए। आप अगर वेट महफूज को करेंगे तो उसको फायदा बताइए। तो लोहे को आप क्या है जो, मतलब आप शोकेस में सजाने वाली चीज बना देना चाहते हैं? जी 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 ठंडा। अच्छी बात, गुड। लॉरेंस कॉन्वेंट हाई स्कूल कहाँ है? दिलसुख नगर, दूसरा नंबर। अच्छा, चलिए। क्या प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या? इनोवेटिव विंड मिल। इनोवेटिव विंड मिल, तो आपका विंड मिल तो दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, ये है विंड मिल। अच्छा, कैसे काम करता है ये? ओके ओके, जैसे पानी निकला रहता है ऐसे भाई, आपको दिख रहा पैडी फील है? बताइए जरा, वो टमाटो कैसे कुक होती है? To these an experiment, we need an outdoor spot that is sunny for several hours. Achha. When the sun is hot here, it converges here and there and would be good. Okay. What is the cost of this machine? This is very cheap. Very cheap? Yes. Okay, how much in your opinion? Yes. 100, 300, 400? Yes, we have to divide to the experiment. How much in the material cost would be?
अलार्म अपन के घर के घर का चोरा रहता है। हाँ चोरा रहता है, बिल्कुल सही पहचान है। आजकल हर तरफ चोरा जो है बहुत बढ़ गई है। चोरों से बचने के लिए अपने को अलार्म चाहिए। तो किस तरीके से अलार्म काम करेंगे? वायर लगाना है जी। अच्छा वायर लगा दिए रोड के सामने लगा। अच्छी बात है। तो ये इंस्ट्रूमेंट कितने में बनेगा बेटा? 400। अच्छा तो ये 400 में कितने अलार्म फिक्स कर सकते हैं? हर एक रूम में आ जाएंगे? आ जाएंगे, एक आएंगे। तो उसने जो लोग बाहर रहते हैं उसको कैसे मालूम होगा? कहाँ नहीं आ रही ना? इसके लिए अगर आपको कुछ अगर अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे आपके स्कूल का प्रोजेक्ट अगर बताता है तो किसी ने भी नहीं है। आपका नाम? क्लास 9 क्लास 8 क्लास स्कूल नेम? ओके थैंक यू वेरी मच। ऑटोमेटिक नाइट लैम्प? अच्छा तो कैसे क्या काम करेंगे बोलिए? नाइट लैम्प काम बताइए, नाइट लैम्प ऑटोमेटिक नाइट लैम्प कैसे काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना? अच्छा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं रहेगा। तो भाई बिल इस्तेमाल करना था सर, बिल इस्तेमाल करना बेनिफिट बताया, बेनिफिट होगा। कौन से स्कूल से आया? सेंट जॉन्स ग्रामर स्कूल। आपके दोस्त और भी है ना नीचे भी है ना? यही है। अच्छा 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 तो आप लोग क्या बता रहे हैं? दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं। तो ये सेंट जॉन ग्रामर स्कूल कहाँ है? बहुत जल्दी नहीं है, नजदीक चीज़ है, दूर है। अच्छा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7 क्लास में पढ़ते हैं। और आप 6 क्लास में। चलिए तो आपका प्रोजेक्ट जो है ना क्या बोले आप, किसका नाम? ऑटोमेटिक नाइट लैम्प। ऑटोमेटिक नाइट लैम्प, ऑटोमेटिक नाइट लैम्प, नाइट लैम्प कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक नाइट लैम्प जो सेंसर से बंद होता है खुलता। चलिए ठीक है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अच्छा तो ये आप मोबाइल कैरी कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े तो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, है ना? अच्छा और कुछ बताना चाहिए? ये प्रोजेक्ट आपका ही है? आपका ही है। कैसे याद है आपको? कैसे आप आइडिया कैसे आया? यूनिक हाई स्कूल। कौन से क्लास में आप? 7 में। तो ये क्या प्रोजेक्ट है, कैसे काम करते बताइए? हाइड्रोलिक मशीन। यस बताइए, वर्क बताइए। देयर आर सो मेनी डिफरेंट मॉडल्स आर देयर, सो यू शो मी वर्क ऑफ योर मॉडल, हाउ डज इट वर्क? अच्छा ये गाड़ा जोड़ने को काम आएंगे। अच्छा रिप्लांटेशन, तो इसको पूरे प्लांट का उखाड़ चलिए उखाड़िए इसको। सुपर, अब इसको दूसरी जगह पे कैसे लगाएंगे? अच्छा फिर और एक जो ना आपको चाहिए खोदना, गाड़ा खोदना पड़ेंगे ना आपको? अच्छा गाड़ा खोदने के लिए हाथ लगाना पड़ेंगे। अच्छा चलिए अब ये लग गया, आओ ये तो निकल ही गया। तो आपके प्लांट से झाड़ को लगाने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, हम निकालने के लिए है ना? कोई हाँ बी चंद्र कुमार। अच्छा कहाँ से आप? अच्छा ठीक है, क्या प्रोजेक्ट है ये? अच्छा ऑटो चार्जेबल क्लीनर, कैसे क्लीन होता बताइए?
अच्छा अच्छा, तो इसमें रूम में मतलब रोड क्लीन किए जा सकते हैं, रोड क्लीन में क्या क्या जगह क्लीन कर सकते हाउसेस कैसा, वॉल भी क्लीन होता है, खाली फ्लोर क्लीन होता है, ऑन योर फ्लोर प्लेन एरिया क्लीनिंग के प्लेन एरिया आपको 500, चलिए तो 500 का आप बना के दे सकते हैं। ओके, सो एनी ऑफ द नाइस आइडिया इज वेरी नाइस, व्हाट आर द रॉ इंग्रेडिएंट्स नीडेड फॉर इट, हाउ डू यू मेक इट? ओके, जरा चला के बताइए कैसा क्लीन करता है, आप बात छोड़िए जरा क्लीन करके बताइए, ये तो फिरे नहीं, नीचे से तो नहीं फिर रही है, हर कोई कचरे को उठा रहे हैं, कचरा तो अंदर गया नहीं, मतलब कल में एक साइड में करके उठाते नहीं है, तो एक जगह के गंदगी तो दूसरी जगह, जैसे आपके घर से निकाल के घर में फेंक दिया है ना, गलत बात है ना सर, आप अपने घर के अंदर मशीन इस्तेमाल करें, इनके घर में डाले उसको घर में डाले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप पूरा करें, व्हाट आर यू डूइंग हियर विद द बॉक्स, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, वेरी सोलर वेरी सन वेरी मून, यस या मून, ओके ऑल राइट, जब ये सन की जो है ना रोज जब मून पर पड़ती है, ये आप तो सोलर एंड मून में इतना है ना, बहुत अच्छा हल्का बना दिए, बहुत आसान कर दिए, इतने आसान पहले भी नहीं मालूम था मुझको, एक बार फिर से बताइए, ओके जब इसकी रोशनी सन पर पड़ रही है, जी, पर पड़ रही है, तो अच्छा ऐसे रिकॉर्डर्स होते होते जब ये अर्थ है ना, अच्छा सन के सामने आता है कि जब हम जो अंधेरा दिखते हैं अपन के पास, अच्छा इसकी ये रोशनी जो है ना ऊपर मारे, ओके जब है ना अपन के पास सन आएगा, अच्छा साइंस के डिफरेंट पिक्चर बन सकते हैं, क्या नाम आपका? नेहा बेगम, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास, बहुत अच्छी बात, उम्मीद करते हैं कि आप जो, नाउ व्हाट इज इन योर हैंड? Metal detector. So what do you want to do with this? ये कैसा आला है जो हमारे अंतराफ अपना भागों की मौजूदगी का पता चला? जी, नहीं इसमें आप क्या बताना चाहते हैं? मैं बताना चाहती हूँ कि ये किस तरह फायदेमंद है, इसके लिए फायदेमंद है, बोलिए। 1960 में पहला इंडस्ट्रियल मेटल डिटेक्टर बना था। अच्छा, अच्छा। बमों का पता चला है। अच्छा, बमों का पता चला है। तो इससे क्या पता चलेगा? इससे धात पहचान सकते हैं। अच्छा, मतलब वो जो मेटल्स है वो अलग अलग मेटल्स, वो गोल्ड डायमंड मालूम हो जाएंगे, अलग अलग मेटल्स भी और वो कितने में धात में है। अच्छा, मगर आप एक चोरों का और जाना आसान कर दें चोरी करना, पता है क्यों? अभी पहले लोग जो ना चोरी की नियत से अंदर घुसते थे और ढूंढते थे कहाँ पर सोना चांदी रखा हुआ था, अभी ये मेटल डिटेक्टर के अंदर घुसे तो उनको आसानी से मालूम हो जाएगा। चोरों का पकड़ने का भी आला है ना, आपको देखे पहला इंडस्ट्रियल मेटल डिटेक्टर 1960 में बना। अच्छा, तो उसका पता चला है। चलिए आपका नाम बोलिए। मुस्तफा, मुस्तफा का नाम, बोला चलेंगे। 9th क्लास, स्कूल नेम? जीडीएचएस मंगलपुरा। 9th, अच्छा, खाने के लिए रखे आप, ऐसे लंच और डोंट टच, ये तो वही बात हुआ ना कि बच्चों के सामने अच्छे अच्छे खाने का सीन रख के, ओके चलिए कम से कम कैमरे में तो मिल जाएंगे अपने को। सो टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू शो? जंक फूड, व्हाट यू मीन बाय जंक फूड? बेस्ट फूड, what is best food? These are best food. Now what do you mean by junk food? Yes, junk food. What do you mean by junk food? What is junk food means? Junk food means we have to, which is keep the very much giving of more fat. It is having fat and calories. Shall I come back? Can I come back to you? Because
because you are not prepared. See, you want to explain about the dress food and junk food. What is junk food? I don't know. The food that are prepared, what is it prepared? Pre-made. I'm sold after many days or after a long preparation. Okay, so they are known as junk food. And fresh food means something that we prepare in our house and eat immediately. That is fresh food. And then foods are junk food. Bakery foods are junk food. So pizza, burger, these are all bakery food. They are junk food. So junk foods have lot of virus in this. And they also use for preservative, they use a lot of preservation. So this preservation is, what do you say, not digestible properly. And they are, what do you say, destroy our digestive system. So that's why we should avoid junk food. If you are one second, I'm going to tell you. Tell me. You are going home. Yeah. You are showing. Show me. Here, this is the Biosand water filter. Medicine water. Biosand water filter. Okay, water filter. Which will filter the pond water, river water. Okay, river water, rain water, ocean water. Which is the slowly process. Slowly process. Which will give the fresh water. Fresh water. Fresh water. Okay. So you are getting fresh water from this. How does it come to show me? We have the biological layer. Means the microorganism will stay on the day. Okay. And remaining raw water will be going down. Right. And then the, by the gravity it will be going. And the pressure, even the gravity will be in the house of anybody kept the villages or the villages. You go on the day. What do you mean by adulteration? मिलावट तो ये तो साफ सुथरे ही ये तो पूरे जगह पे बाय सी वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट व्हिच इज गुड एंड व्हिच इज बैड ओके सो ही मीन टू से दैट बाय वाचिंग वी कैन नॉट डिसाइड whether there something is good or bad सो व्हाट इज द प्रोसीजर व्हाट इज द प्रोसेस इन द मिक्स एडिंग द आईडी सेपरेटेड डेटा स्टार्ट ओके टेस्टिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा मिक्स ओके वी हैव टू बॉइल द मटेरियल ओके डॉक्टर बायरन सॉल्यूशन ओके ओके Okay. Okay, very nice. You are a good explainer. What is your name? Orphia Khatun. Class? 8th class. School name? Adams High School. No, Adams High School. Okay, fine. It's Adams High School, not Adams. Adams High School. Okay, fine. Very nice. So, you mean to say that nothing is safe? Nothing is safe. Yes. Safe. Nothing is safe. Yes. Everything is adulterated. Yes. So how do you want to solve this problem? Yes. It is so there are lots of shops. Yes. Everywhere they are selling things like this. Yes. So how to control them? This is all you do one thing, you become a food controller. Huh? That will be better. At least in a government department if you become a food controller. Food inspector. So, are you ready? Shall we talk to government department? That means, what do you call?
What is your name? Ms. Khatun. Ms. Harpia Khatun want to become a food inspector because he has noticed, alas, he has noticed a lot of jana adulterated food waste, food everywhere in the special in the hotels. Yes. Everywhere. Household also. So how are you going to give punishment to the households? If somebody wants to die with adulterated food, how can you give them punishment? Okay, what do you want to say? See, suppose your auntie in her house do things like this, make things adulterated, how are you going to help her? This is our house, so we can do it experiments. Thank you very much. This is a body freezer. It is called Janta Freezer. Janta Freezer? Yes, sir. So, you know how to work with this? This is work in... पॉट इन ए पॉट रेफ्रिजरेटर तीन पॉट की जरूरत है यस सर नो सर दिस इज ए टब दिस इज ए टब यस सर इसमें जना पानी भरना चाहिए नो सर दिस इज जरूरत नहीं नो सर द लार्ज पॉट इज इन द बेस ऑफ द लार्ज पॉट वन होल इज देयर सो द वाटर इज लीकेजिंग फ्रॉम दैट होल सो आई पुट दिस पॉट दिस इज सो यू मीन टू से दैट वी आर गिविंग पुट वाटर हियर नो सर इन दिस स्पेस 2-3 सेंटीमीटर स्पेस वी आर पुटिंग सम Why don't you open it properly? Sir, अगर open की तो जरा देखते हैं क्या करते हैं। Sir, if we open this, हाँ, yeah, fully will go. Yes, sir, and it will be destroyed, sir. Okay, yes, fine. Sir. So how long have you kept these fruits? Sir, if the fruits are destroyed in 2-3 days. No, no. आप भी now अभी आप इसे इसमें रखें, कल से रखें। From 2 days, sir. 2 days है। बहुत अच्छा है। क्या क्या fruits है इसका? इसमें apples है। Apples है। दो पॉट चाहिए छोटा बड़ा पॉट चाहिए एक जना प्लास्टिक टॉप चाहिए जरूरत नहीं है अच्छा सिर्फ साइड के सिर्फ साइड के अच्छा तो दो पॉट्स काफी है पानी के साथ और कुछ केमिकल भी मिलाते क्या हाँ सर ओनली कोल्ड वाटर वी पुटिंग बिफोर इन दिस सैंड कोल्ड वाटर कहाँ से आते हो Yes, sir.